वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचल मनोहवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर मिनमो सुध केवली वणिदम हवे रेवा दो एक सौ इकतालीस और बयालीस गाथा अपनी चल रही है चर्चा में। एक बयालीस भी शुरू होना है, इकतालीस भी चल रही है। पक्षातिक्रांत की भूमिका यहाँ तैयार हुई और हम लोग पंच कल्याण का अतिक्रांत करके आए। धार्मिक पर्यटन पूरा हुआ। अब इसमें धार्मिक कितना रहा, परिअटन कितना रहा, ये हमारा विचार नहीं है, समझे ना। धर्म से जुड़ा हो तो कहलाए धार्मिक, और परिअटन, अटन कहलाता है भटकना, और परि मतलब सब ओर से भटकना। पर्यटन शब्द है ना, और पर्यटन शब्द का मतलब होता है परिअटन। परि यानी चारे बाजू से, अटन मतलब भटकना। तो चारे बाजू से हम कितने भटके, सौभाग्य से चर्चा हुई थी केंद्र में पहुंचने की, लेकिन तो भी राज्य सरकारों में उलझ के रह गए। देखो भाई, जब हम पक्षों को दूर करने की बात करते हैं तब सबसे बड़ा पक्ष होता है मन में होने वाली इच्छाओं का पक्ष। ये प्राथमिक तैयारी है साधना के मार्ग पर। जब भी आगे चलो तो स्वभाव का पक्ष लेकर चलो, और स्वभाव का पक्ष वाला जीव इच्छाओं का पक्ष नहीं रखता। हमने पता समय सार को मात्र दार्शनिक विश्लेषण का विषय बना दिया है। कोई नित्य मानेगा, कोई अनित्य मानेगा, क्या पढ़िए, कोई नित्य माने, कोई अनित्य माने, कोई एक माने, कोई अनेक माने, बैठे बैठे बुद्धि के विमर्श का विषय नहीं है ये, कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं है ये, आध्यात्मिक साधना है। और जब भी आप समयसार देखो, गाथाओं में मत देखो, जब भी आप समयसार देखो स्वभाव में देखो। और स्वभाव में एक बात रखो कि जो ज्ञान धारा धारावाहिक रूप से ज्ञायक से निकलती है, वो ज्ञान धारा को ज्ञायक में ही विराजमान करना और उसकी साधना का नाम समयसार है, समझे। बाकी तो सारे पक्ष हैं, कभी किसी को क्रोध का, ये हमें बाहर के पक्ष पक्ष दिखाई दें, ये शुद्ध मानता है, अशुद्ध मानता है, ये नित्य मानता है, अनित्य मानता है, एक मानता है, अनेक। अरे आज के ज़माने में तो ऐसे डिस्कशन करने वाले लोग ही नहीं है, पक्ष भी किताबों में रह गए हैं। आज एक ही पक्ष बचा है, इच्छाओं का पक्ष, और इच्छाओं मिथ्यात्व का पक्ष, उसमें सुख मानने का पक्ष, एक ही पक्ष बचा है। बाकी सब पक्ष इसके आजू बाजू बन रहे हैं, किलेबंदी हो रही है मिथ्यात्व की। आज भी हमें जो एक अंदर का जो जोर आए और उस जोर के बल से बाहर के संयोग नल एंड वाइड दिखाएं, वो साधना। अंदर का जोर आए, बाहर के संयोग ना लुभाएं, वो साधना। विपरीत परिस्थितियों में भी चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दिखाए, वो साधना है। पहले लोग जैसे कुन दिगंबर मुनियाज होते,
कुनकुन आचार्य देव होते, ऐसे सारे सब जगह भटकते थे। क्यों? क्योंकि अटके ना, इसके लिए भटकते थे। वो ना अटके इसके लिए भटकते थे और हम अटकने के लिए भटकते। हा हा, समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ, फिर से गंभीरता से विचार करो। और बहुत बहुत तैयारी की ज़रूरत है, बहुत तैयारी की ज़रूरत है। समय सार ये समझो, बहुत गहराई से बात कह रहा हूँ, बड़ी वजनदारी के साथ में कह रहा हूँ। जैसे नया मकान हो ना, तो नया मकान बनाने के लिए इसका मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ना, इसका रिनोवेशन कर दो। कितना भी रिनोवेशन कर दो ये बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग के ऊपर कितना भी मरम पट्टी करो, वो पुरानी की पुरानी ही वो नहीं टिक पाएगी। समय सार यही है। समय सार कहता है अपनी हर एक पुरानी मान्यता को मटिया मैट कर दो, क्योंकि जो बनी है मान्यता वो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व और अनादि के संस्कार के कारण बनी है, और हमें भटकाने के लिए, दुखी करने के लिए बनी है। कहीं पे ज्ञायक नहीं है, क्योंकि ज्ञायक मिला ही कहाँ है हमें? चौथी गाथा में तो कह दिया, शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा कहा है कि नहीं कहा? ज्ञायक हमें सगत में कहीं मिला? आप विचार करके देखो। आहा, पंच कल्याणक हो गया, आने वाले मिल जाएंगे, पांच पांच भोजनालयों का लाभ लेने वाले मिल जाएंगे, पांचों के पांच एक भी नहीं छोड़ेंगे, आज इसका आज इसका पर्चा, तो वो कूपन वूपन तो एडजस्ट हो जाता है सब है। पांच दिन रहने वाले मिल जाएंगे, पांच दिन गैर हाजिर रहने वाले मिल जाएंगे, भगवान विराजमान करने वाले मिल जाएंगे, भगवान के सुरक्षा करने वाले मिल जाएंगे, लाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बनने वाले कितने हैं? बहुमत से चलते ना, तो जड़ बहुमत हो गया वहां पे, तो 1169 भगवान बन गए, और यहाँ 6 महीने 8 समय में 608 ही बन सकते। 12 महीने लग जाएंगे उनको कवर करने में। समझ में आया? ध्यान से समझना भाई साहब। भगवान बनने का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग स्वभाव की स्वीकृति से जाता है, और स्वभाव की स्वीकृति का मतलब बैठे बैठे ये नहीं होता कि मैं ज्ञायक हूँ। ये तो क्या रट तोता वाला ज्ञान, ये कोई ज्ञान काम नहीं लगता। अंदर में दो चीजें दिखनी चाहिए, स्वभाव से निकली ज्ञान धारा और कर्म के उदय से आने वाली इच्छाओं का स्वभाव कर्म धारा। क्या बोला? ये दो चीजें बिल्कुल सीख लो। कैसे हो गए? ये कोई बैठे बैठे बातों करने से कोई ऐसे होता तो आप सोचो, इतने काल ऐसे भटकते क्या? सर्वज्ञ के पास इतना नहीं सीख पाए होंगे हम, मुनियाजों के पास इतना नहीं सीख पाए होंगे हम अनंत काल से है? समझ में आया? दो चीजें अंदर में दिखनी चाहिए स्वभाव के पक्ष वाले को। एक तो ज्ञायक से निकली हुई ज्ञान धारा, और दूसरी कर्म का संक्रामक रोग जो आपके अंदर में इच्छा के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोला? ज्ञान से निकली हुई ज्ञान धारा और कर्म का चेपी रोग, कर्म का चेपी रोग जो आपके अंदर में किस रूप में बैठा है? इच्छा के रूप में। ये दो दिखना चाहिए। जो पर्यटन करता है वो कर्म का रोग है, और पर्यटन हटाता है वह है ज्ञान स्वभाव। समझे कि नहीं समझे? टोडरमल जी साहब इच्छा के वर्णन में कहते हैं कि इस जीव को इच्छा कितनी है, अनंत को देखूं, अनंत को चखूं, अनंत को सूंघूं, अनंत को छूं,
अनंत को भोगूं, इतना इसके अंदर में अभिप्राय पड़ा है। अब रूटीन जीवन में तो टाइम मिल नहीं पाता अनंत के साथ अड़ने का, तो जैसे ही रूटीन से हटकर जाता है तो लगता है यहाँ पे ये देख लूँ, यहाँ का ये खा लूँ, यहाँ पे ये कर लूँ, वहाँ पे वो कर लूँ। अब अनंत को स्कोप मिल गया, पहले तो रूटीन में टाइम नहीं था। अब ये है कि एक तो ये अनंत को इच्छाओं के कारण वहाँ चला जाए, और दूसरा ये है कि अनंत स्वभाव की तरफ आए। दो रस्ते बनते हैं, जहाँ से हम बाहर जाते हैं ना, स्वरूप से बाहर निकलते हैं, जब भी अपने रूटीन भाषा में कहें तो बाहर के जीवन में जाते हैं अपने नित्य कर्मों से, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, क्योंकि इस तरफ आपको अनंत के कुछ सैंपल दिखाई देते हैं। अनंत को चखने की इच्छा है तो वहाँ 56 दुकान दिखाई देगी, अनंत को देखने की इच्छा है तो वहाँ बड़ा गणपति रजवाड़ा दिखाई देगा, एट्सेट्रा, बराबर। अनंत को देखने जाने मिलने की इच्छा है, वहाँ 20-25 हज़ार मिल जाएंगे। लेकिन विचार करो और लॉजिकली सोचो, 56 दुकान के 56 भोग भी खाए, 56 दुकान समझ गए ना, अब बताने की जरूरत नहीं है, समझे ही हो गए। 56 दुकान के 56 भोग भी खाए तो भी अनंत का कौन सा हिस्सा है अग्रवाल? यानी आप अच्छा ऐसे 56 दुकान के हजारों बार आप जाओ तो कितना हिस्सा कवर कर पाओगे? यानी अनंत के खड्डे में आप अनंत भी भर दोगे तो भी अनंत रहेगा। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? अनंत के खड्डे में अनंत भी भर दोगे तो भी अनंत खाली रहेगा। यानी 60-70 वर्ष की तो कोई गिनती नहीं है। सागरों का प्रयास जब मिट्टी में मिल गया तब तुम 20-30 साल में क्या उखाड़ लोगे? आ रही कि नहीं आ रही बात? गहराई से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टू द पॉइंट बात है, स्वरूप से बाहर निकलोगे, निकले हैं हम, ये अनंत का खड्डा है, ये अनंत सामग्रियां हैं जिनका हमें पक्ष है, ये खाऊं ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये सब दूसरे अध्याय में लिखा है, तीसरे अध्याय में अनंत का स्कोप हमें, अनंत के सैंपल एक दो के रूप, अनंतानुबंधी मतलब क्या होती पता है? मैं हमेशा कई बार कहता हूँ, जब भी हम लोग ये कहते हैं कुछ नया करो, कुछ नया देखूं, कुछ नया खाऊं, कुछ नया चखूं, तो ये हमारे अनंतानुबंधी का चिन्ह है। कारण क्या है? अनंत को तो हम जानते नहीं, लेकिन जो चीज आती है वो हमारी अनंत इच्छा को का पूरा करने का एक साधन है। लेकिन नहीं समझा, इसलिए ये अनंतानुबंधी वाला ही बोलता है नया करूं। जिसकी अनंतानुबंधी चली गई है वो तो कहता ठीक है भाई जो है सो है, अब नया क्या करना, नया कर करके तो और बढ़ गए। तो जो नए की तरफ जाना मतलब अनंतानुबंधी कसाय से प्रेरित होना, समझ में आया? और नूतन विषयों के अभाव की तरफ जाना, सनातन आत्मा के स्वभाव की तरफ जाना, ये अनंतानुबंधी के अभाव का क्रम है। इच्छाएं पहले भी लोगों के अंदर बहुत थी, आज भी हैं, क्योंकि इच्छा तो अनंत ही है ना। पहले स्कोप कम थे, अभी ज्यादा हो गए। पहले इतना भोजन नहीं था, इतनी वेशभूषाएं नहीं थी, इतना कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को परिचय होता और वो अंदर की इच्छा को और प्रज्वलन ईंधन कम मिलता था। अभी धन भी हो गया और ईंधन भी हो गया, समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? क्या हो गया? अभी धन भी हो गया और ईंधन भी हो गया, बराबर। अंदर में जलता है, बाहर धन रूपी और ईंधन डालता है,
फिर अंदर में जलता है, फिर धन रूपी और ईंधन डालता है, ऐसे जलते बुझाते जलते बुझाते जलते बुझाते सत्यानाश हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जब जब भी ये अनंत का आकर्षण, अनंत अनंत के रूप में नहीं आता, आपको ये लगे हम कहाँ अनंत को देखने जा रहे हैं, एक को देखने जा रहा है, एक को देखने जाने का करवा कौन रहा है, अनंत की इच्छा करवा रही है, ऐसे समझो। ये एक का दो बंद नहीं लग रहा, ध्यान रखना। ये अनंतानुबंधी वाले जीव को कहते हैं कि हर गुना मल्टीप्लाई बाई अनंत होता है, एक स्वभाव को देखने वाले अनंत सुख के भोगी हो गए, और एक स्वभाव को छोड़कर अनंत को देखने का निरर्थक प्रयास करने वाले यथार्थ में अनंत दुखी हो गए। समझे कि नहीं समझे? एक स्वभाव को देखे, हो तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति, मुनिराजों की भक्ति, केवली की भक्ति, आहार की चर्या, उनकी दिव्य ध्वनि, हो सब में एक भगवान आत्मा गुंजायमान हो रहा था, बराबर एक भगवान आत्मा गुंजायमान हो रहा था, उस एक को देखने वाले अनंत सुखी हो गए यथार्थ में, यथार्थ में। और एक को छोड़कर अनंत को देखने वाले, अनंत तो दिखता नहीं लेकिन अन्य को देखने वाले, अन्य को देखने की इच्छा मतलब अनंत के द्वारा फेंका हुआ एक पासा, अनंत की चाल जो अन्य की तरफ लेकर जा रही है, अनंत। समझ गए ना किस अनंत की बात कर रहा हूं? अनंतानुबंधी, अनंत की चाल अन्य की तरफ लेकर जाती है। वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम, यहाँ बटन दबाता बा गुड्डा, वो कोई उसका कैरेक्टर प्ले करता है, मैं अनंतानुबंधी बटन दबाता है, अन्य की तरफ जाता है। अनंत की चाल अन्य की तरफ लेकर जाती है। और स्वभाव की महिमा अन्य से हटकर अन्य अनन्य एक अद्वितीय आत्मा उसकी तरफ लेकर जाती है। प्रभु ऐसे उस स्वभाव का पक्ष हो, और उस स्वभाव का तेज, ऐसे से है ना पंच कल्याणक में दृश्य बताया था कि जब कुलकरों की बात आई थी, सुना होगा अगर ध्यान से दिया होगा ध्यान आप लोगों ने, अपने आगे पंचकल्याण बहुत गजब थी, मतलब आप एक एक चर्चा सुनो, इंद्र इंद्राणी की चर्चा बाहर बैठ के नहीं, अंदर और वहाँ पे सामने बैठ के सुनो, तो इतना आनंद आता था, सैकड़ों ग्रंथों का लाभ मिलता था, ऐसे समझ रहा। इंद्र इंद्राणी की चर्चा देख लो, राजा रानी की चर्चा देख लो, श्रावक श्राविका की चर्चा देख लो, इतनी सुंदर चर्चाएं होती थी, हमें भ्रम रहता है कि प्रवचन एक होता था, एक एक नहीं होता था, प्रवचन ही होते थे, लेकिन वो प्रवचन ही होते थे, और बल्कि बड़े बड़े सारपूर्ण वाक्य होते थे। झंडे के पास खड़े रहोगे, काउंटर के पास खड़े रहोगे, फोटो खिंचवाओगे, भोजनालय, तो नहीं मजा आएगा, वो चीज़ माहौल नहीं बनता। भक्ति का भी इस बार की जितने लोगों की भक्तियाँ देखी, बहुत अद्भुत भक्तियाँ सारी की, बहुत सुंदर बढ़िया, शांत रस वाली भी भक्तियाँ थी, नहीं जैसी प्रासंगिक जैसी भक्तियाँ, मतलब भक्ति में हमेशा शांत रस जरूरी नहीं होता, भक्ति का अनिवार्य रस नहीं है शांत रस, हाँ लेकिन प्रासंगिक होती थी। जन्म कल्याणक में शांत रस थोड़ी होगा, जन्म कल्याणक में थी वो प्रासंगिक हो गया। बहुत बढ़िया। इसमें एक प्रश्न आया था, मैं ये बता रहा था आपको, जैसे कि कुलकर की बात आई ना, तो बोले कि ये सूर्य चंद्र दिखने लगे तो लोग घबरा गए, ये कौन आ गया भाई अभी तक, तो कहता थे तो पहले भी, लेकिन कल्प वृक्षों के प्रकाश में दिखते नहीं थे। ऐसे विषय तो पहले भी हैं
विषय तो पहले भी थे, लेकिन ज्ञान का प्रकाश इतना प्रबल हो, इतना प्रबल हो कि वो विषय दिखे नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में, जैसे कल्प वृक्षों के प्रकाश में सूर्य का प्रकाश दब गया, वैसे ही चैतन्य के प्रबल प्रकाश में विषय एलईडी बल्ब के जैसे दिखने लगते। कुछ प्रकाश ही नहीं इनमें, अब कौन लुभाएगा। एक तरफ जड़हड़ ज्योति स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा हो और एक तरफ एलईडी बल्ब हो और ये मन पतंगिया हो, तो किसकी तरफ जाएगा बताओ। अगर ये मन पतंगिया हो तो निश्चित रूप से ये ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के प्रति ही जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, अन्य की दृष्टि अनंत की चाल है। अन्य की तरफ खिसकना अनंत की चाल है, जिसे बाकायदा हम सासम्मान स्वीकार करते हैं। अरे प्रभो, पर के सम्मान में आत्मा का अपमान है, पर के रुचि में आत्मा की रुचि है, पर के प्रति गमन में आत्मा के प्रति अवरोध है, पर का आकर्षण आत्मा का विकर्षण है, पर का भोग आत्मा का उपवास है और आत्मा का भोग पर का उपवास है। दोनों चीजें अलग अलग है भाई साहब, इसीलिए समय सार है। मैं आपको चाहता हूँ फिर से पूरी बात बताना चाहता हूँ कि भाई पक्षातिक्रांत मतलब आप कोई दार्शनिक विश्लेषण में मत उलझें, सामाजिक झंझटों में ना पढ़ें। आप पक्षातिक्रांत का सीधा सीधा मतलब पढ़िए, समझिए कि अपने अंदर में जो एक सबसे प्रबल पक्ष है मिथ्यात्व का, कषायों का, अज्ञान का, असंयम का, अविरति का, डेरा जमा के बैठे हैं जो, उनसे हटकर स्वभाव का पक्ष अतिक्रांत हटाने तो बाद में हटेगा, हटा हुआ पहले दिखेगा। समझे कि नहीं समझे। राजनीति में होता है ना, जो नेता को रिजाइन देना होता है ना, वो पहले अपनी पार्टी से असहमति व्यक्त कर देता है, करने लगता है। किसी का भी देख लो है? अभी बीजेपी का वरुण गांधी है, पहले कांग्रेस के गुलाम नबी थे, अथवा और भी कोई भी जो भी जीव हो जिसे अपनी पार्टी से हटना होता है, वो क्या करता है, पहले नंबर सबसे पहले जाहिर में क्या करता है, असहमति व्यक्त करता है। अब फिर दो गति होती है, या तो निकाल दिया जाता है, निकल जाता है, ऐसे यहां कह रहे हैं क्या करो। पहले नंबर इच्छाओं के प्रति असहमति व्यक्त करो, पक्षातिक्रांत होना मतलब उनको खत्म कर देना, वो बात की बात है, वो चरित्र का वो है पुरुषार्थ। पक्षातिक्रांत मतलब इनके बीच में मैं हूं लेकिन मैं ये नहीं हूं, इनकी मान्यता इनकी आइडियोलॉजी को मैं स्वीकार नहीं करता, असहमत हूं, मेरा मत सहमति में नहीं इच्छाओं की असहमति में है, है? मति सहमति असहमति, जो मति किसके साथ है, सहमति है ना, सहमति किसके साथ है, सह मतलब साथ वाली बात आई ना, तो किसके साथ है आपकी मति, बोलो। ज्ञान के साथ है। आत्मा कौन है, आत्मा कौन है, आत्मा कोई थर्ड पर्सन थोड़ी है,
ये जो ज्ञान व्यक्त हो रहा है यही तो आत्मा है। तो आपकी मति, मति मतलब ज्ञान, मति मतलब बुद्धि, मति मतलब इच्छा, मति मतलब पुरुषार्थ, अब ये सब समझ लेना किसके साथ है। मति से सहमति करो, संसार में मति मत नहीं पढ़ोगे। मति को मत दो, मति मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को और इच्छाओं को बोलो कि भाई मैं तो ज्ञान के साथ हूँ, सहमति, मैं सहमति मतलब ज्ञान के साथ हूँ, तेरे साथ नहीं हूँ। तू भटकाती है, रुलाती है, सुख के नाम पर दुखी कराती है, तेरे साथ नहीं हूँ। अनंत बार तूने मुझे छला है, विचार कर। जो जो टूर पैकेज वाला भैया आपको लेके जाए, बराबर जाऊंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सुरक्षित वापस लेकर आए, ऐसा उसका कमिटमेंट, और ले जाए और जंगल में छोड़ दे, अब खुद रास्ता बनाओ, खुद आ जाओ। एक बार, दूसरी बार जाओगे, तीसरी बार हो तो ऐसे लई जाए पची बच्चे मुकी दे, अवना चाले ना। तीन घंटे रोड पर रहना कैसा लगा था, है बोलो, विचार करके देखो। और अनंत काल से अपने भवन में नहीं है, सड़क पर ही, वो कैसा लग रहा है। तीन घंटे में 300 बार स्मरण कर लिया होगा घर का, और अनंत काल से आज तक घर का स्मरण नहीं हुआ। तीन घंटे में तो अल्टरनेट ढूंढ लिया प्रबल पुरुषार्थ करके, ऊपर से लेके नीचे तक फोन लग गए। 3 घंटे तीन हुए थे ना, उसके बाद तो हाँ। अरे पंडित आपको क्या पता, आप तो बुआ घर जाके सो गए थे, हमारे साथ होते तो पता चलता। हैं आया 3 घंटे भारी लगे ना भैया, अनंत काल भारी नहीं लगता। ये क्षण होते हैं जब आप वेद ज्ञान की इंटेंसिटी को महसूस करो, ये वो क्षण होते हैं जब आप उसको महसूस करो कि जब यहाँ की, हम कहते भले ही अपने आप को आत्मा हैं, सुनते भले ही हम आत्मा की बातें हैं, लेकिन मान्यता में देखो, शरीर बेघर हुआ तड़फड़ा उठे, हम बेघर हैं कब फर्क नहीं पड़ रहा। अगर जो हम हैं वही वो मानते तो सबसे पहली तड़प इस बात की होती कि ये तो ठीक है, जैसे शरीर को ठिकाना नहीं मिला, मेरी अनंत परिणति को भी तो आज तक ठिकाना नहीं मिला। प्रश्न ये उठता पहले, तुरंत अल्टरनेट चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है नाना बाकी है, खाना नाश्ता बाकी है, चेंज, अरे आत्मा की निर्मलता बाकी है, संयम आदि के द्वारा आत्मा का पोषण बाकी है। ये प्रश्न वहां पे आने चाहिए। मुनि अवस्था का विचार करो, है सर्दी लग रही थी, अरे रे शीत ऋतु दरिया के किनार, याद करना, याद आया हो जिनका, अच्छी बात है, आना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ों के द्वारा सिर्फ बताना इतना चाह रहा हूँ कि बेघर होना क्या होता है और ठिकाना क्या होता है। अगर अपने आप को हम 100% आत्मा मानेंगे टर्म्स कंडीशन अप्लाई किए बिना, तो जैसे इस शरीर को मान के बैठे हैं, 3 घंटे नहीं मिला ठिकाना तो परेशान हो गए,
आत्मा मान के बैठे तो अनंत काल से ठिकाने वगैरह के हो तो ठिकाने का उपाय क्यों नहीं किया? स्वीकृति का जोर है, ये पक्ष अंदर में जमा है, मैं शरीर हूं ये पक्ष जमा है, विषयों में सुख है ये पक्ष जमा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है ये पक्ष जमा है, यहां जा लूं वहां चला जाऊं, ये खा लूं वो पी लूं, ये कर लूं, ये पक्ष जमा है अंदर, इस पक्ष को हटाना है। ये शुद्ध शुद्ध के विकल्प तो माध्यम है, ये अशुद्धता की व्याख्या करो तो ये सब आ जाएंगे। एक वो समय सार है जो आप शब्दों से सीखते हो और एक वो समय सार है जो आप साधना से सीखते हो। शब्दों से ये आएगा और साधना में वह आएगा। समझे कि नहीं समझे? अंदर में दो चीजें, ओहो, ज्ञान का प्रकाश चेतन ज्योति स्वरूप, ज्ञान का प्रकाश चेतन ज्योति स्वरूप, ओहो, सहमति उसके साथ है, मेरी मति वहां बैठी हुई है, मेरे अंदर में जो जो पुरुषार्थ है वो सहमति है, मतलब ज्ञान के साथ है, इच्छा के साथ असहमति, मेरी मति की इच्छाओं से असह, मतलब मेरा ज्ञान इच्छाओं के साथ नहीं है, असहमति, मति मतलब ज्ञान, सह मतलब साथ, आ मतलब नहीं है, मेरा ज्ञान किसके साथ नहीं है बोलो, इच्छा के साथ, ज्ञान मतलब के लिए जानना नहीं लेना, पूरा का पूरा पैकेज आत्मा का, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी पर के चेपी रोग के साथ में नहीं, कर्म के चेपी रोग के साथ में नहीं, आ रही कि नहीं यारी बात ख्याल में है? क्या बोला है इसमें लाइन में समझो, असहमति मतलब ज्ञान मतलब आत्मा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बराबर, और इच्छा आदि मतलब ये सब कर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी किसके साथ में है? पर के साथ असहमति और स्वयं के साथ में सहमति, मेरी चीज मेरे में लगेगी ना, अन्य में थोड़ी जाएगी, ये चीज करना, बस ये अपने पक्ष को ही बाहर में पक्षातिक्रांत कहते हैं, अपने ही पक्ष को बाहर में क्या कहते हैं? पक्षातिक्रांत बना कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक मर आए तो दुविधा खत्म हो गई, जब एक पर आए, देखो दूसरा खड़ा किया तो तीसरा भी होगा, तीसरा खड़ा किया तो चौथा भी होगा, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? श्रावक के अनेकों घर होंगे और मुनिराज का एक भी नहीं होगा, क्योंकि एक है, क्योंकि वो उनका ही है, वो बाहर में पक्ष होता है, सामने विपक्ष होवे तो पक्ष होवे, पक्षातिक्रांत होना मतलब मैंने अपने आप को ज्ञानमयी स्वीकार कर लिया है, अब कर्म दूसरा पक्ष रखे तो अतिक्रांत है हम भैया, तुम अपने आप को राग मानोगे तो दूसरा पक्ष द्वेष का आएगा, शुद्ध मानोगे तो दूसरा पक्ष अशुद्ध का आएगा, एक मानोगे तो दूसरा पक्ष अनेक का आएगा, एक मानोगे तो दूसरा पक्ष आएगा, आपको एक मानना चाहे इच्छाओं के आधार पर हो अथवा आपके ज्ञान के विकल्पों के आधार पर हो, अनादि की मान्यता के कारण हो, एक मानोगे तो दूसरा आएगा, और पक्षातिक्रांत कहता है ओहो हमें अब और कोई पक्ष रहा नहीं, स्वभाव के पक्ष को ही पक्षातिक्रांत करना होना कहते हैं, अनादि काल से धारावाहिक प्रकट ज्योति ज्ञान स्वरूप में हूं, उसमें एकत्व करना, वही मैं हूं और उसके प्रताप में जो भी विकल्प आ रहे हैं वो मैं नहीं हूं, ज्ञान की योग्यता के कारण जो ज्ञेय ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है
वो भी मैं नहीं हूं। कर्म के उदय के कारण जो संयोग परिवर्तन हो रहा है वो भी मैं नहीं हूं। घाती के उदय अघाती के उदय संयोग बदले, घाती के उदय से मनोभाव बदले और ज्ञप्ति परिवर्तन के कारण ग्नेह बदले, आई कि नहीं? बस क्या क्या बोला फिर से? तीन बातें। अघाती के उदय के कारण क्या बदले? संयोग बदले। आज मनुष्य में हो कल कहाँ होगे? जैसा करोगे बाप, मैं नहीं कह रहा, मैं क्यों किसी को नीचे पहुँचाऊँ। अघाती के उदय के कारण संयोग बदले, घाती के उदय के कारण क्या बदल रहा है? मनोभाव बदल रहा है, बराबर। और ज्ञान की योग्यता के कारण ग्नेह बदल रहा है, ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है, समझे? संयोग बदले, मनोभाव बदले और ज्ञान में आने वाले ग्नेह बदले। लेकिन संयोगों में भी एक ज्ञायक भाव रहा, इच्छाओं के आधार में भी एक ज्ञायक भाव रहा और ज्ञों के बदलने में भी एक, ये ज्ञान का पक्ष। और क्या वो कहीं जाता है क्या? वो वहीं रहता है। और आचार्य कहते हैं सहमति, उसके साथ रहो जो तुम्हारे साथ है, असहमति मतलब उसके साथ मत रहो जो तुम्हारा साथ नहीं देता। है कि नहीं बात? कौन साथ रहता है? तीन तो बदल रहे हैं, संयोग भी बदलता है। कल जो संयोग थे, अरे साल भर पहले के जो कपड़े आज नहीं बनते हैं, बदल गया वो कपड़ा, शरीर बदल गया, तो जो बदल जाए उसके साथ क्यों रहते हो? ना ना, छे तो मारो, छे तो मारो, क्यों क्यों छे तो मारो? हाड़ मास में तमे छो, मारो मारो, अरे मांदा पड़ी तो मांदा, अरे भाई कौन मांदा पड़े? जो मैं मांदा पड़ू तो मुझे वांदा पड़े, पर मैं तो मांदा पड़ते ही नहीं। संयोग बदलेगा, असहमति, मनोभाव, कल जो प्रिय लगता था आज प्रिय नहीं लगता है? जो भोजन सुबह बहुत अच्छा लगता था शाम को खिला दो, आ तो सवारे खा दू तू, पर ना सवारे बहुत प्रेम थी खा दू तू ना, माटे सांझ माटे राखी ली। अब बोलो पंच कल्याण में ऐसी र्यूमर भी आ जाए ना, आज सवार में भोजन मोड़ से अड़ दो खाली, है बोलो? सुबह प्रिय लग रहा था ना, शाम को खा लो, चलो शाम को भी जैसे जैसे खा लिया बहुत प्रिय लग तो काले है, बोलो मती क्या हो जाएगी? हट जाएगी ना। इसलिए जो जो किसका ठिकाना, सुबह जो बड़ा बढ़िया चाव से खाया है, शाम को दिया तो मन बिगड़ गया, मतलब भोजन का जो इष्टपने का भाव है वो भी कैसा है, छोड़ के जाने वाला। जगत में किसी को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, है? किसी से दो बातें करो प्रसन्न हो जाते हैं, और अधिकतर झूठी बातों में ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि झूठ का आवरण ज्यादा बढ़िया लगता है हमें। हम भले ही पाप करें लेकिन सुनना अच्छा है। आए कि क्या करें, जगत में ऐसी वृत्ति हो गई। किसी को प्रसन्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को स्वभाव में लाना, अनंत काल सुखी करने के लिए टकोर करना, ये बड़ी बात है। आप समझो जरा, जो लोगों ने मात्र बाहर की चापलूसी में प्रसन्नता खोजी ना, वो लोग चापलूसों को खोजते हैं। 450 लोग मिले हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वो अपने बाहर एक वातावरण बना लेंगे, मैं भी बढ़िया तुम भी बढ़िया, तुम बिगड़ो हम बिगड़े, क्या करना है?
ये मार्केटिंग स्टाइल है, इसमें कोई सत्य नहीं है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए किसी को प्रसन्न करने के वचन बोलना वो ठीक है, जगत में किसी को दुखी मत करो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी की ऐसी बातों से सुखी भी मत हो, क्योंकि किसी की बातों से सुखी हो गए तो किसी की बातों से बेचारे अपने आप को बाजारू बना दोगे तो बाजार की बातों से फिर प्रभावित हो गए। आप बाजारू हो ही नहीं, आपका 100% अधिकार आपका है। आप समझ गए ना, बाजारू 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 समझते ना जी, जो बाजार में मिलती हो। तो अगर आपने अपना आनंद बाजारू बना दिया तो क्या होगा, किसी से सुखी और किसी से। आप ये कहो मेरा 100% आनंद मेरी प्राइवेट लिमिटेड है, ये मेरा ही है, मेरे से ही होगा, बाजार से नहीं होगा। आई कि नहीं ये बात समझ? इसलिए असहमति, आज भी जीव नहीं समझ पा रहे इस बात को, अच्छी अच्छी के चक्कर में सच्चे सच्चे से दूर हो रहे हैं। सच्चे के चक्कर में अच्छे से दूर हो जाओ, क्योंकि सच्चे से अच्छा कुछ नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ? हाँ, ख्याल में आया? हाँ, अच्छे अच्छे के चक्कर में घूम रहे हो और अच्छे के चक्कर में सच्चे से दूर हो रहे हो। इसलिए कह रहा हूं सच्चे को समझ जाओ, क्योंकि सच्चे से अच्छा कुछ नहीं। ये सच्चा मतलब सच्चे के साथ सहमति है, सच्चे का बोलबाला सच्चा कौन है? सत्य से जो जुड़ा हो, सत्य से जो जुड़ा हो वो सच्चा है। समझे कि नहीं? हमने वो है सत्य स्वभाव। तो मेरी सहमति किसके साथ में है? ज्ञान के, सत्य के साथ में। इसीलिए इच्छा से असहमति, ज्ञप्ति परिवर्तन, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बदल रहे हैं, हाँ ये बदल रहे हैं, क्या दिक्कत है, बदलने दो। ज्ञेयों की योग्यता है, ज्ञायक की योग्यता है, लेकिन मैं तो वो हूं ही नहीं ना। जो ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है वो नया नहीं, क्योंकि ये तो एक क्षण से ज्यादा दूसरे क्षण कोई टिकता ही नहीं। इसलिए वो भी मैं नहीं, ज्ञप्ति परिवर्तन मैं नहीं हूं, आहा ज्ञान का अविरल प्रवाह मैं हूं। ज्ञप्ति परिवर्तन मैं नहीं हूं, जो ज्ञेय बदल रहे हैं, मैं कोई रील नहीं हूं जो सर्कुलेट हो रही, रोटेट हो रही है, बदल रही है, मैं वो नहीं हूं। मैं तो आधार हूं, मैं कोई दृश्य नहीं जो पर्दे पर दिख रहा है, मैं तो दृष्टा हूं। मैं कोई ज्ञेय नहीं जो जानने में आ रहा है, मैं ज्ञाता हूं। अब इस आधार से यस देखो, अपियस देखो, कश्मीर देखो, कन्याकुमारी देखो, जगत का एक एक कोना देखो, ज्ञेय बदले ज्ञायक तो बोले। इसीलिए हम वहां जाते हैं साहब, अब आपने बोली सही बात, इसीलिए हम वहां जाते हैं सब में ज्ञायक देखने के लिए। अरे प्रभु, ज्ञायक देखने वाला ज्ञेयों के प्रति लोभायमान, लोभित नहीं होता, लुप्त नहीं होता, सहज ज्ञान में जाए तो घबराता नहीं है, ये बात है उसमें। ये तो हमारी ज्ञेयों के प्रति कमिटमेंट है। सीमंदर बहुजन में आता है ना, हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी, क्या शब्द बोला, बहुत मार्मिक शब्द है बाबू जी। मेरी जो ज्ञेयों के प्रति निष्ठा है, ये जानूं ये जानूं, ये ही जानूं ये ना जानूं। अच्छा अच्छा बोलो भाई, खराब मत बोलो, ये ज्ञेय निष्ठा है।
अच्छी अच्छी जगह रखो, खराब जगह नहीं, ये ज्ञेय निष्ठा है। ज्ञान को कोई प्रॉब्लम है? काले नीले पीले अतरंगे सतरंगे कुछ भी पहनो, सबको जान लेगा, समझ में आया? लेकिन हमारी समर्पण किसके प्रति? ज्ञेयों के प्रति। इसीलिए ज्ञेयों में बदलाव स्वीकार नहीं होता। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा है, तुम ज्ञेय हो ही नहीं। पहले ज्ञेयों की ये जानने की थी कि भाई लोग ऐसा करते थे, अब ये जानने की योग्यता हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो ज्ञेय हूं। हमारे आधे दुख तो काल को लेकर है। हमारे जमाने में सब भिड़े के मूड से बाहर ही नहीं निकलते है? हमारे जमाने, अरे भाई छोड़ो, तुम्हारा जमाना बदल गया। वो ज्ञान की उस समय की उतनी ही योग्यता थी, तुम उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते। उस सीन को कर सकते हो समझी भाई है? अगर 30 साल पहले मैं प्रवचन करता होता, 40-50 साल पहले, सब साड़ियां पहने होते, सबके माथे ढके होते हैं, बोलो, समझे कि नहीं समझे? अब आप कर सकते हो ऐसा? अब समय सार छोड़ कर ये बताने लगो, ये करो ये करो, तो उसमें ही पूरा ध्यान निकल जाएगा। अब मैं इसके उसमें नहीं जाना चाह रहा कि अच्छा था कि बुरा था। अगर आप अच्छे बुरे के चक्कर में लोगे तो सबसे अच्छा ये है, तो थोड़े अच्छे के पीछे क्यों पड़े हो? सबसे अच्छे के पीछे पड़ो ना, बाकी फिर जो जैसा जब जिस प्रकरण आएगा उस प्रकरण पे बात अलग करेंगे अपन। लेकिन उसका खेद नहीं करना। कहने का मतलब ये, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि काल के प्रवाह से अनुचित प्रवृत्तियां आगे उनका समर्थन करता हूं, समर्थन तो नहीं करते, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया वो भी एक प्रवाह है। तुम पहले भी ज्ञाता थे, आज भी ज्ञाता हो और कल भी ज्ञाता रहो। तुम प्रवाह में आने वाले दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। तुम ज्योति नहीं हो, तुम दीपक हो। हम जो जरा उसके प्रकाश में ज्वार आ जाओ। ऐसे सहमति मेरे ज्ञान के प्रति मेरी मति लग जाए, ज्ञायक के प्रति मेरी मति लग जाए, उसके साथ हो जाए, बाकी सब लुप्त हो जाए। क्योंकि ज्ञान का पक्ष तो कभी छूटने वाला नहीं और ज्ञान का विपक्ष भी कभी होता नहीं। आप समझो, ज्ञान का विपक्ष है कोई? मिथ्या ज्ञान ज्ञान का विपक्ष है क्या? अज्ञान ज्ञान का विपक्ष है क्या? अल्प ज्ञान ज्ञान का विपक्ष है क्या? बताओ। अभी बहुत अच्छे शब्द आ गए, ज्ञान का कोई विपक्ष नहीं है। मिथ्या ज्ञान ज्ञान से संबंधित नहीं है, श्रद्धा से संबंधित है। अल्प ज्ञान ज्ञान का अपोजिट नहीं, ज्ञान का कम ज्यादा प्रभाव बता रहा है। बराबर, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव, तो जो जहां ज्ञान है ही नहीं उसमें क्या बात करोगे? समझे? ज्ञान में ज्ञान का कोई विपक्ष नहीं, इच्छाओं का विपक्ष है हर जगह। आप समझो, पक्ष क्यों खड़ा होता है, उनको पक्ष क्यों बोला और ज्ञान को पक्षातिक्रांत क्यों बोला? हर प्रकार की जो इच्छा है उसके अपोजिट कोई दूसरी चीज है। क्रोध है तो विपरीत क्षमा है, मान है तो विपरीत मृदुता है, संयम है तो विपरीत असंयम है, विरति है तो विपरीत अविरति है, योग है तो विपरीत अयोग है। ज्ञान का कोई विपरीत नहीं है, इसीलिए ज्ञान पक्षातिक्रांत है, यानी स्वभाव का पक्ष वो ही पक्षातिक्रांत है। जो चीज का अपोजिट विद्यमान हो वो मेरा पक्ष नहीं। समझे कि नहीं समझे हैं? हमने अभी यही समस्या की है, पता है कौन सी? जो विरुद्ध वाले हैं उनकी संगति की है, अविरुद्ध की संगति नहीं की। तो कह रहे हैं कि विरुद्ध के प्रति करो असहमति और अविरुद्ध के प्रति करो। ये लास्ट की जो बातें बोली ना, बहुत मार्मिक हैं। जहां कहीं से अटकर कहीं आने की बात हो वहां मैं नहीं,
जहां कुछ छोड़कर कुछ पाने की बात हो वो मैं नहीं, जहां ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पाना है ना कुछ हटना है ना कुछ जमना है, बस जो हो उस रूप होना है। ज्ञान में जमना के ज्ञान तो है, तू देख नहीं रहा। ये साधना का मार्ग, साधना की चाबी कभी गायब हुई नहीं है। हर ज्ञान, हर समय ज्ञान की किरण अभिव्यक्त है, क्योंकि ज्ञान का कोई विरोधी नहीं। विरोधी होता तो कब कब्जा कर लेता, लेकिन वो तो स्वभाव से व्यक्त। तुम जब जब जीव रहोगे तब तब ज्ञानी रहोगे, तब तब ज्ञानी रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर में ज्ञान व्यक्त होगा, और तब तक तुम्हारा व्यक्त ज्ञान तुम्हें ज्ञायक की स्वीकृति देगा, देगा और देगा। मोक्ष का मार्ग यहां से निकलेगा प्रभु। बाकी तो सब विमर्श हैं, दुविधाएं हैं, ये है वो है फलाना है, कहीं संयोग परिवर्तन है, कहीं मनोभाव परिवर्तन है, और कहीं व्यक्ति परिवर्तन है। तीनों जगह मैं नहीं हूं। जो नहीं बदलता ऐसा त्रिकाली परम पारिणामिक भाव स्वरूप मैं। ये पक्षाधिक्रांत है भाई साहब। समय सार का कहते हैं सीपी, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, ये उसका सीपीयू है, समय सार का सीपीयू। पक्षातिक्रांत मतलब क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारी चीजें जिसके इर्द गिर्द काम हो रही हैं, ऐसे स्वभाव में लीन होना वो सीपीयू। समझ में आया?